तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद देश में बवाल मचा हुआ है, तो बीजेपी ने भी इस मुद्दे को खूब भुनाया। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डीएमके और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो अब एक और नया सियासी मोड़ आ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने उदयनिधि स्टालिन का समर्थन कर दिया है, जो कि कर्नाटक सरकार में मंत्री भी हैं। प्रियांक खड़गे ने कहा कि कोई भी धर्म जो असमानता को बढ़ावा देता है और इंसान होने की गरिमा का हनन करता है, वो धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे मुताबिक कोई भी धर्म जो समान अधिकार नहीं देता और एक इंसान को इंसान होने का ओहदा नहीं देता, वो धर्म नहीं, एक बीमारी है। सुनिए प्रियांक का ये बयान। एनी रिलीजियन दैट डज नॉट प्रमोट इक्वालिटी, एनी रिलीजियन दैट डज नॉट एंश्योर दैट यू हैव द डिग्निटी ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग इज नॉट अ रिलीजियन अकॉर्डिंग टू मी। एनी रिलीजियन व्हिच डज नॉट गिव यू इक्वल राइट्स, डज नॉट ट्रीट यू लाइक ह्यूमंस, इज नॉट अ रिलीजियन। So it's as good as a disease. दरअसल 2 सितंबर को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू से की। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका विरोध करना काफी नहीं होता, हमें उन्हें मिटाना ही होगा। मच्छर, डेंगू, बुखार, मलेरिया, कोरोना, ये ऐसी चीजें हैं जिनका हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते बल्कि हमें इन्हें मिटाना होगा। सनातन भी ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि सनातनम क्या है, ये संस्कृत भाषा से आया शब्द है। सनातन समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ होने के अलावा कुछ भी नहीं है। उदयनिधि के इस बयान के बाद पूरे देश में राजनीतिक पार्टियों के बीच वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। अमित शाह ने खुद इंडिया पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कही है। अभी इंडिया अलायंस 2 दिन से मैं देख रहा हूं, 2 दिन से सत्ता आपको चाहिए मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए। 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडी अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले, तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्टालिन के जरिए इंडिया गठबंधन को ही घमंडिया बताया। उन्होंने कहा कि क्या उदयनिधि का बयान इंडिया गठबंधन की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? ये जो इंडी अलायंस है, ये जो घमंडिया गठबंधन है, जो मुंबई में 3-4 दिन पहले एकत्र आए थे, इसका सबसे बड़ा घटक और सबसे मजबूत घटक डीएमके, जो तमिलनाडु के सरकार को मुख्यमंत्री स्टालिन, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन, वो उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। आप बताइए, ऐसे घमंडिया परिवारवादी इंडी अलायंस को रहने देने का अधिकार है क्या? एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।